दोस्तों आकाश चोपड़ा ने कहा है कि ऋषभ पंत की जगह श्रेयस अय्यर को ही दिल्ली का कप्तान बनने देखना चाहते हैं वो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आप आकाश चोपड़ा की बातों से सहमत हैं या फिर नहीं, ऋषभ पंत ही बनने रहने चाहिए या फिर श्रेयस अय्यर को दिल्ली का कप्तान बनाना चाहिए। पूरी बात बता दें आपको, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा है कि आईपीएल की दोबारा शुरुआत होने पर श्रेयस अय्यर को दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाना चाहिए। चोपड़ा ने कहा कि अगर अय्यर फिट और उपलब्ध रहते हैं तो फिर उन्हें ही कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। कंधे की चोट के चलते अय्यर आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से नहीं खेल पाए थे। ये चोट उन्हें अहमदाबाद में इंग्लैंड वनडे मैच के दौरान लगी थी। उनकी अनुपस्थिति में दिल्ली की कप्तानी का जिम्मा ऋषभ पंत ने उठाया और इस विकेट कीपर ने उमेश से बढ़कर परिणाम दिए। ऋषभ पंत के नेतृत्व में दिल्ली कैपिटल्स ने 8 में से 6 मुकाबलों में जीत हासिल की और आईपीएल स्थगित होने से पहले ये टीम 12 अंकों के साथ शीर्ष पर आ गई। इस बीच अय्यर के कंधे की सर्जरी हुई और वो ठीक होने की राह पर है। क्रिकेट प्रशंसक ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या आईपीएल शुरू होने पर अय्यर को दोबारा कप्तानी मिलेगी या फिर नहीं। आकाश चोपड़ा ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने YouTube चैनल पर एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए चोपड़ा ने कहा, बिल्कुल उन्हें कप्तान बनाया जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है।